नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। प्रबल जी, प्रबल जी, वेलकम सन, सुपर हिटिंग, वाह 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 वाह, आइए आइए और स्वागत करते हैं हमारी ब्यूटीफुल हीरोइन प्रवीणा रॉय का। हाय प्रिया, क्या कर रहा है राजू भाई? आप लिंग इस सुपरहिट जोड़ी की सुपरहिट फिल्म तो देख लिए। सही सही, तो दिल थाम की बैठिए, मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। वाओ, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, स्पेशल अनाउंसमेंट सर। इस जोड़ी के साथ जी 3 हिंदी और 3 भोजपुरी फिल्म कर रहा हूँ, और इसे देखेंगे अमेरिकन, कैनेडियन और सिंगापुर वाले। ओहो, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, यानी फिल्म इंटरनेशनल लेवल की है सर। इंटरनेशनल लेवल की, हमारे इंटरनेशनल एक्टर। हाँ, लिख लो, लिख लो। प्रबल जी, सुना है आपने इस फिल्म में फंडिंग भी की है? जी जी, थोड़े बहुत किए हैं, 30%। 30%? अच्छा, इसका मतलब आप गिरी जी के नर पार्ट, सॉरी पार्टनर हैं? नहीं, गिरी जी सोलो प्रोड्यूसर है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने थोड़ी बहुत जो भी फंडिंग की है उसके बदले में। अच्छा, सफलता तो आप देख ही रहे हैं। अच्छा अच्छा, और तो और सोने पे सुहागा, गिरी जी हम दोनों के साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह फिल्में शुरू करने वाले हैं। वाओ, वैसे आप आने वाली फिल्म का टाइटल बता सकते हैं? टाइटल तो बता ही सकते हैं, स्टोरी नहीं बता पाऊंगा। जी जी, हमारे आने वाली नेक्स्ट फिल्म का टाइटल है बहू के दो रंग। बहू के दो रंग, समथिंग हटके। वाह, नाम से पता चल गया होगा, पारिवारिक है। हाँ, फैमिली ड्रामा फिल्म है, क्योंकि मैंने कसम खाई है हाँ कि जनता हमसे बहुत प्यार करती है। जी, जनता हमारा परिवार है, तो हम हमेशा अपने फिल्मों के माध्यम से अब पारिवारिक फिल्में ही देंगे, जिसको पूरा परिवार साथ में बैठ के देख सके, जी एंजॉय कर सके। और जो परिवार के साथ में देखी जाती है जी, उस फिल्म को हिट होने से कोई रोक सकता है क्या? अरे कोई नहीं, एक मिनट, एक मिनट। महेंद्र जी का, महेंद्र चोपड़ा जी का। ब्रेकिंग न्यूज, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, चलते इंटरव्यू में महेंद्र चोपड़ा का कॉल आया, सिर्फ हमारे चैनल पे बताएगा सी भारत। हेलो सर, आपने जिस तरह हमारी पहली फिल्म को इतना सराहा है, बाकियों को भी इतना ही प्यार देना। चरण स्पर्श सर, महेंद्र सर आपका फोन मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हाँ प्रबल, कैसे हो? अच्छा हूँ, अच्छा हूँ सर, बहुत बहुत अच्छा लगा सर, बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। क्या बात है, कांग्रेचुलेशन यार, मैंने तुम्हारी फिल्म देखी, कमाल का काम किया यार तूने। सर आप ही की फिल्म देखे तो सीखा है, बस अब आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे हाँ ऑफकोर्स, हमारा आशीर्वाद तो है ना तुम्हारे साथ। दरअसल प्रबल क्या है ना, मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जो 7 भाषा में होगी, इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिल्म होगी, और ये फिल्म रिलीज होगी, तुम दुनिया के सबसे बड़े स्टार होंगे, और मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार बनो। थैंक यू सर, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी फिल्म करते हुए, लेकिन मैं यहाँ हॉनेस इंडिया विजन फिल्म के साथ 6 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट। ओके, वैसे HI वाले दे क्या रहे तुमको पर फिल्म का? जी एक फिल्म का वो मुझे 15 लाख रुपए दे रहे हैं। अच्छा, पर फिल्म मतलब 6 फिल्म के हिसाब से तुमको मिली है 90 लाख। अगर मैं तुमको एक फिल्म का 1.5 करोड़ दूं तो क्या करोगे? थैंक यू सर, बट जबान की भी कोई वैल्यू होती है, मैंने उनको जबान दे दी है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है। प्लस सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, प्लीज। गुड, आई लाइक दिस लॉयल्टी। प्रबल तुम बहुत सच्चे और अच्छे इंसान हो, ऐसे ईमानदार आदमी बहुत कम मिलते हैं, मैं तुम पे प्राउड करता हूँ बहुत। थैंक यू सो मच सर। एक बात याद रखना, दुनियादारी धोखेबाजी से नहीं, ईमानदारी। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है, बड़े खुश हो? महेंद्र चोपड़ा जी का फोन था। हाँ? Really? Yes. महेंद्र जी, पता है 7 भाषा में फिल्म बना रहा, मुझे सही करना चाहते थे। सर, कैमरा मैन अच्छा लेकिन इसका इमेज सही नहीं। आर यू इन रिलेशनशिप? क्लोज फोटो प्लीज, प्लीज सर, थोड़ा राइट देखिए ना सर। हमारे प्रबल की तो लाइफ सेट हो गई, भगवान ने हीरो भी बना दिया और हीरोइन भी मिल गई। पल्ले पल्ले, मैं तो कहता हूँ विश यू वेरी वेरी हैप्पी लिविंग रिलेशनशिप।
थैंक यू यार। ओए वीरेन, लिविंग रिलेशनशिप दी मुबारकबाद कौन देता है? हाँ। क्योंकि अभी इनकी शादी तो हुई नहीं। हाँ। है शादी के बाद तुम दोनों भूखों को ले जाकर बोलूंगा मुबारक हो तुमको शादी तुम्हारी। अरे तो क्या हुआ बोका, शादी नहीं हुआ भैया, गाना तो होना चाहिए लिविंग रिलेशनशिप में। हाँ, उसके लिए भी गाना है। हाँ, सुनाओ। ऐसी लाइफ होनी चाहिए हम लोगों की लाइफ है, डेली शो फैक्टर, ये लाइफ है। डे नाइट शूटिंग करते हैं, पेमेंट का था पता नहीं, घर आते गाली खा के सो जाते, ऐसी लाइफ होती। दूर। ओए मेरे प्रा, तेरे पास तो डेली शॉप है, यहाँ डेली भाड़े के कपड़े पहन पहन के ऑडिशन दे रहा हूँ, कोई एक काम नहीं है। दादा ये भी भाड़े पे है, बॉडी न्यूड ड्रेस वाला, सबको पैसे देना है उसको। तुम लोगों के पास तो भाड़ा देने के लिए पैसे हैं। हाँ। हाँ। मालूम, ये टी शर्ट मैं अपने पड़ोसी से मांग कर लाया हूँ, जिसके घर पे मैं खुद भाड़े से रहता हूँ। अबे ओ वार्नर ब्रदर्स, मुंह मत सड़ाओ, गिरी जी ने हम दोनों को लेके 6 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया है। 6 फिल्में। हाँ, 6 के 6 फिल्मों में अच्छे अच्छे रोल में तीनों को भिड़ा देता हूँ। चलो जाओ। ओए भाभी जी तुसी ग्रेट हो, ओए साडा प्राण मेरा भाई बोला अपनी लाइफ सेट कर देगा। अरे यार अपने यार सेलिब्रेशन बनता है, सेलिब्रेशन बनता है। ये ओए साडा बी टाइम, साडा बी टाइम आएगा, साडा बी टाइम आएगा, इसलिए इनका टाइम नहीं आ रहा है। हैं क्या? अरे क्या सुपर भाभी, बहुत खुश हो तुमसे, अब तुम्हारा शक्ल खत्म हो गया समझो। अरे गिरी है गिरी, अरे को छोड़ दे और फोन कर ले यार। अरे रिंग हो रही है ना। हां एक मिनट, फोन आया। ओ गिरिजी का फोन है। हेलो गिरिजी। हाय प्रबल। हाँ गुरुजी प्रणाम, 100 साल की उम्र है, अभी आपको याद कर रहे थे। हाँ कल ऑफिस में आ जाना 6 बजे। 6 मतलब 6 लकी आएगा। हाँ इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अरे वाह आराम सर। हाँ वो प्यार है ना अपनी, उसे फोन देना। प्यार? अरे वो चुड़ैल, उसे देना फोन। वो तो मेरे साथ यहाँ नहीं है। अच्छा उस्तादों के साथ उस्तादी कर रहा है नॉटी। जी 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 सॉरी सॉरी। हाँ वो मेरे साथ ही है, मेकअप कर रही है। ठीक है कल 6 बजे ऑफिस में पहुंच जाना। बाय बाय। पीआर गिरिजी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया नए प्रोजेक्ट के लिए। पीआर रियली? यस। अबे गिरी तुम्हें लगता ही आएगा ऑफिस? मुझ पर भरोसा नहीं है। खुद तो नहीं है। आएगा पक्का। मैं आई कमिन गुरुजी। अरे आइए आइए। हाय जी, ये हमारे हीरो प्रबल कुमार, ये अच्छा। हमारी पीआर प्रोमिला। आ जाओ भाई बैठो। और ये हमारी पार्टनर दलाल। हेलो सर। आइए बैठिए बैठिए ना, बैठ जाओ डार्लिंग, आओ बैठिए बैठो। देखो भाई हम बनाएंगे वेब सीरीज, हाँ जिसमें होगा खुल के अंग प्रदर्शन। अरे खून बहेगा, लाशें बिछेंगी, जूता बजेगा, नंगा होगा नाच, जिसे मांग रहा है आजकल पूरा समाज। और नाम सुनोगे ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पब्लिक चिल्ला पड़ेगी। क्या हुआ? हाथ में दर्द है यार। चिल्लाओ मत, कम चिल्लाए करो। तो सुनो भाई, नाम है फिल्म का गंदी जात। हमारी वेब सीरीज का नाम है गंदी जात। लेकिन पर हमारी बात तो फिल्मों की हुई थी ना गुरुजी, तो ये वेब सीरीज कहाँ से आ गई? 90% वेब सीरीज मैं देखते रहता हूँ, देखी भी नहीं जाती। गंदी गंदी गालियाँ, हंसते ज्यादा अश्लीलपन, ये मतलब का वायलेंस, डार्क लाइफ। हमारी जो ऑडियंस है वो तो पूरी तरह से पारिवारिक है, ये तो उनके साथ धोखा होगा। अरे भाई बैबले हो गया, टॉप ऑन टॉप स्टार, अपनी टॉप उतारो फिर रहे वेब सीरीज में, खूब कमा रहे, मजे ले रहे, यू के बकरा गिरी। सर मैं नहीं कर सकता, नहीं मैं नहीं कर सकता। नो आप प्लीज, आप एग्रीमेंट के हिसाब से चलिए। अरे ठीक एग्रीमेंट। हाँ फिल्म का हुआ था जी। ये रहा तुम्हारा एग्रीमेंट, इसका मैं कर देता हूँ एक्सीडेंट। एग्रीमेंट 4 टुकड़े, लो करियर बर्बाद कर लिया, डफर, अब तुम हमारे साथ काम नहीं करोगे। मतलब और किसी के साथ करने भी नहीं देंगे।
सर एनीवेज आपका वेब सीरीज आपको मुबारक हो, क्योंकि मैं अपनी जनता के साथ धोखा नहीं कर सकता, ना ही मैं करूंगा ना प्रमिला को करने दूंगा। चल प्रमिला। ए एक मिनट प्रमिला, अब क्या तुम भी इस चूजे की तरह चूजी हो गई हो? बोल बाबू बोल। अरे पूछने की क्या जरूरत इसमें, प्रमिला बताओ। नहीं नहीं सर, आपने इसे तो एग्रीमेंट से बाहर कर दिया, पर प्लीज मुझे बाहर मत निकालिएगा। तुम्हें कोई अंग प्रदर्शन से ऑब्जेक्शन वगैरह? नो नो सर, मुझे कोई एतराज नहीं है, इनफैक्ट आई लव एक्सपोज। कोई गालियों से परहेज? नो वे सर। सुन लिया मामू, पर तुम तो मेरा प्यार हो। प्यार नहीं पी आर प्रमिला रॉय। और वैसे भी मेदनापुर से सगे रिश्तेदारों को छोड़ के मैं यहाँ प्यार मोहब्बत करने नहीं, बल्कि मुंबई अपना करियर बनाने आई हूँ। शादी करने या रिश्ते बनाने नहीं। और वैसे भी तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारा टाइम तो पास हो चुका। सुनो मेरी बात मानो। नो पुलिस स्टेशन वरना सीधे पुलिस स्टेशन। मीटू मीटू। और भैया उसके बाद आधी पब्लिक करेगी कैंडल मार्च और आधी पब्लिक करेगी सैंडल मार्च। ओ दलाल, इस मार्च के महीने में भी तुम्हें क्या क्या सूझ रहा है? अरे यार बस तो के पास खुश रहो तुम सब के सब, बेइज्जत होकर बेइज्जत होके